जय हिंद। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। आप सबको जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति से आप रूबरू होंगे प्रॉपर तरीके से, कि किस हिसाब से इस जो मिशन चलाया गया, जो मुठभेड़ हुआ, उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए, एक हमारे कर्नल साहब, एक मेजर साहब और साथ ही साथ एक DSP साहब जो कि पुलिस प्रशासन में थे। जम्मू और कश्मीर में ये घटना को अंजाम दिया गया और एक जिला है अनंतनाग, वहाँ पर ये सिचुएशंस घटित हुई। और मैं अभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को बारे में बताता हूँ, लोकेशन के बारे में दिखाता हूँ आपको कहाँ क्या सिचुएशंस ये घटित हुई है। और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे हम और हमारी पूरी कैरेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की टीम कि हमारे जो बहादुर शेर हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनको हम सत सत नमन करते हैं। हमारी पूरी कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की टीम सत सत नमन करती है और हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि ऐसे वीर योद्धा हमारे देश में यूं ही जन्मते रहें और हर एक बच्चा इस देश का एक वीर सेनानी के तौर पर तैयार हो, जो भारतीय सेना माँ भारती के लिए अपने प्राणों की न्योछावर देने के लिए हमेशा तत्पर रहे। वो कभी ये ना सोचे कि मेरे देश से बढ़कर कुछ और भी है, हमारा परिवार, हमारे रिश्ते, इन सबसे बढ़कर हमारे लिए हमारी मातृभूमि, हमारा देश है, हमारा तिरंगा, हमारा स्वाभिमान है। और इस तिरंगे के लिए हमारे वीर सैनिक, इस देश के लिए हमारे वीर जवान शहादत दे देते हैं। और ख्वाहिश क्या होती है कि बस कफन तिरंगा होना चाहिए। तो एक बार हम सब पूरी टीम के साथ बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा प्यारे बच्चों कि किस हिसाब से सिचुएशंस हुई, कहाँ पर घटना ये घटी, कहाँ पर ये ऐसा काउंटर चलाया गया जहाँ पर इतने 3 जवान हमारे अधिकारी रैंक पे, बड़े लेवल पे हमारे अधिकारी शहीद हुए, और कैसे हुई ये घटना, और साथ ही साथ क्या प्रतिक्रिया है भारतीय सेना की या फिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, और क्या प्रतिक्रिया, इस प्रतिक्रिया के माध्यम से क्या होने वाला है और क्या आगे किया जाएगा। और मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहेंगे और बने रहेंगे, तब तक के लिए हम दोस्त कुछ समय के लिए हम तमाम और हमारे पूरे टीचर्स मौन रखेंगे। हम गुजारिश करेंगे अपने शिक्षकों से कि कुछ दो शब्द आप लोग बोलें, हमें भी अच्छा लगेगा। सर, रवि सर। पहले तो मैं शहीद हुए देश के सभी शहीदों को नमन करता हूँ। मिट गए अपने न मिटने दी वतन की आबरू, सभी शहीदाने वतन को बारहा मेरा सलाम। और साथ ही साथ देशवासियों से अब गुजारिश करता हूँ कि आप लोग शहीदों का, देश के और देश के वीर जवानों का सम्मान करें। जो लोग हम चैन से रहें, सुख से रहें, इस चीज़ की कामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, आहुति देने तक से पीछे नहीं हटते, हम उनका सम्मान सदा करते रहें। नमन है उन शहीदों। आशा नहीं है जान देना, ये हमारे शहीद यूं ही जान लुटा देते हैं, जंग में चले जाते हैं, ये आसान नहीं है। तो मैं नमन करता हूँ अपने शहीदों को, और एक शहीद हुआ है तो 10 पैदा भी होंगे, 10 और तैयार हो जाएंगे। हम देखते हैं कब तक ये लोग नहीं रुकते और एक नए भारत की कामना हम करते हैं। जय हिंद। सबसे पहले इन सभी शहीदों को बहुत बहुत नमन है, और ऐसे महान वीरों को इस भारत प्रांगण में सभी आते रहेंगे, ऐसे ही वो उनका जन्म होता रहेगा, और सभी जितने मेरे आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, इससे ये एक पता चलता है कि जो भारतीय सीमा में जाने का जो जिगरा होता है ना, वो बहुत बड़ा केस होता है। जैसे अभी सभी लोग कहते हैं ना कि किसके आधार पर तैयारी करते हैं, IIT कर रहा है, NEET कर रहा है, लेकिन भाई ये जो सपना है ना NDA वाला, या आपका कोई भी भारतीय सेना का सपना है, वो बहुत बड़ा है। इसका जो औहदा है ना, बहुत कम दूसरे कंपैरिजन, जो जो भी जॉब होती है ना उसकी कंपैरिजन इसका सबसे बड़ा औहदा है। और मैं इन सभी वीर जितने भी हमारे योद्धा हैं उनको बहुत नमन करता हूँ, सत्सर नमन है। और आगे ऐसे ही वीर हमारे जो हैं
वो पनपते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे, और कब तक कौन किसकी हस्ती मिटाएगा ये तो वक्त बताएगा। थैंक यू आदित्य सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारे साथ हमारे कोऑर्डिनेटर सर, मैनेजर सर भी हैं। मैं सभी शहीद हुए जवानों को सत सत नमन करता हूँ। देश के वासी हैं, और जहाँ ना कोई मजहब है ना कोई जाति है, बस हमने सबको बांट रखा है, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, लेकिन हम सब ने इस देश के लिए शहादत दी है, इस देश के लिए आज़ादी दी है। आज हमारे DSP साहब जो पुलिस प्रशासन से रहे जम्मू एंड कश्मीर से, उन्होंने भी शहादत दी अपनी, और पुलिस प्रशासन भी साथ में सेना के साथ लगी रही, और कहीं ना कहीं एक जाबाज अफसर भी शहीद हुआ पुलिस प्रशासन का। तो सल्यूट है ऐसे जाबाज अफसरों को जो इस देश के लिए शहादत दे रहे हैं और देश को बचाने के लिए अपनी जानों की आहुति दे दे रहे हैं। हम मूवियाँ तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन असल मूवी, असल जंग तो ये जीते हैं, और इन पे आधारित हम मूवियाँ बनाते हैं। असल हमारे हीरो तो यही हैं। मैं अपने रियल हीरोज़ को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आपने जम्मू एंड कश्मीर की ना हरकत को देखा, जहाँ हमारे 3 अफसर शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर, और हमने आपको बताया कि जो ट्रिब्यूट, जो ये घटना घटी है वो कहां पर घटी, जम्मू एंड कश्मीर में घटी, और किस लोकेशन, किस जगह पर घटी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक मेजर साहब, एक कर्नल साहब, और साथ ही साथ हमारे पुलिस विभाग के, जम्मू एंड कश्मीर विभाग के, हमारे जो पुलिस विभाग के जाबाज अफसर DSP साहब भी इसमें शहीद हो चुके हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इनके पिताजी अंतिम विदाई के लिए किस हिसाब से अपने बेटे को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत के साथ अपने बेटे को अंतिम विदाई दी, और ऐसे पिता सबको मिले और ऐसे बेटा भी सबको मिले। मैं सल्यूट करता हूं, और हमारी पूरी टीम सल्यूट करती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए वीडियो है, ये तो ये वीडियो आप सबने देखा। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं, क्या इस जो मेजर कर्नल और DSP साहब की शहादत का बदला लेगा भारत, तो क्या सिचुएशन होने वाली, और कहां पर ये घटना को अंजाम दिया गया और क्या हुआ। तो मैं आपको पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं, पूरा आपको डिटेल से बताने वाला हूं। प्यारे बच्चों, बने रहेंगे वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर आप देखेंगे कि ये एक जगह है, यहां पर देखिए लिखा है द किलिंग ऑफ 2 आर्मी ऑफिसर्स एंड अ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग अ गन बैटल इन द, कौन सी जगह बेटा, कोकरनाग एरिया ऑफ द, क्या नाम है यहां पर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा एक जिला है, अनंतनाग एक जिला है जम्मू एंड कश्मीर में, जो कोकरनाग एक एरिया है, ठीक है, जहां पर क्या हुआ, वेडनेसडे को क्या हुआ था, रिटर्न द स्पॉटलाइट टू द साउथ कश्मीर आफ्टर द टेम्परेरी लल। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो एरिया है, आप देखिए यहां पर प्यारे बच्चों, ये एरिया आपका, ये आप इसको देख पा रहे होंगे, यहां पर ये आप देख रहे हैं लद्दाख है, कौन सा एरिया बेटा, ये लद्दाख है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे आप लोग, ये लद्दाख है, और ये पूरा भारत का मापदंड है। आप देखिए इस हिसाब से निकाला गया यहां पर, ये आपका पीर पंजाल है, कौन सी जगह बेटा, पीर पंजाल। हमेशा हम मैक्सिमम देखते हैं कि हमेशा जो घटना घटित होती है वो इसी एरिया में घटित होती है। ये आपका श्रीनगर है, ये आपका अनंतनाग है, क्या है बेटा, अनंतनाग है। तो अनंतनाग क्या है, अनंतनाग क्या है, अनंतनाग एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका रजौरी है। आपको पता है इससे पहले जो घटना घटी थी वो रजौरी में घटी थी, ये आपका जम्मू है, और ये इसके बाद जब इधर आते हैं तो ये पाकिस्तान है, और ये वाला जो एरिया है वो पूंछ एरिया है, कौन सा एरिया बेटा, पूंछ एरिया। तो इसी जिले में जो अनंतनाग आपका जिला है, इसी जिले में एक छोटा सा एरिया है जिसका नाम क्या रखा गया बेटा, कोकरनाग, एक एरिया है कोकरनाग, वहीं पर इस घटना, ये घटना घटी है, और यहीं पर हमारे 3 जवान शहीद हो चुके हैं बेटा। तो आपको बता देते हैं, आगे जब बढ़ते हैं इस वीडियो में, तो यहां पर देखते हैं, ये देखिए, ये पेट्रोलिंग की जा रही थी, उसके बाद अर्लियर ड्यू टुडे द इंडियन आर्मी इन्फॉर्म दैट एन इंडियन आर्मी कर्नल कमांडिंग एज राष्ट्रीय राइफल्स, मतलब RR के थे, राष्ट्रीय राइफल्स के थे, RR के थे कर्नल साहब यूनिट, एंड अ मेजर हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन एन इनकाउंटर इन द
अनंतनाग विद टेररिस्ट इन कश्मीर। जब हम कश्मीर में गए तो जो हमारे टेररिस्ट थे उस समय इनकाउंटर के दौरान हमारे 3 जवान शहीद हुए, एक हमारे कर्नल साहब, एक मेजर साहब और तीसरे हमारे पुलिस विभाग के साथ ही साथ हमारे डीएसपी साहब, 3 लोग शहीद हुए बेटा। आप लोग इस चीज को देख पा रहे होंगे। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते देखते हैं ये हमारे कर्नल साहब हैं। कौन है? कर्नल साहब है, सीओ साहब है, तो कर्नल मनप्रीत सिंह। कौन है बेटा? कर्नल मनप्रीत सिंह द सीओ ऑफ 19। तो ये आपका 19 आरआर से थे, 19 राष्ट्रीय राइफल आरआर होता है बेटा, तो आरआर राष्ट्रीय राइफल्स एंड मेजर आशीष डी ऑफ द इंडियन आर्मी वो आल्सो क्रिटिकली इंजर्ड अलोंग विद द डीएसपी भट्ट। डीएसपी भट्ट साहब थे एंड ड्यूरिंग द प्रोलोंग्ड इनकाउंटर दे डाइड ड्यू टू क्या लिखा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। कर्नल मनप्रीत सिंह वॉज एंड पंचकुला हरियाणा एंड इस Survived by the wife and two small children. उनका मतलब उन जो चल रहा था उनका जो परिवार था, उनकी पत्नी थी और साथ ही साथ 2 छोटे बच्चे थे कर्नल साहब के परिवार में। और इन जब इनको गोलियां लगी थी काफी इंजर्ड हो चुके थे और ब्लड इतना निकल रहा था कि टीम पूरी लगी हुई थी लेकिन इनको बचाया नहीं जा सका, बच नहीं पाए। तो 19 आरआर से थे, सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे कर्नल साहब, 19 आरआर थे, राष्ट्रीय राइफल से थे और मेजर आशीष जी थे, साथ ही साथ हमारे डीएसपी भट्ट साहब थे, जिन जो तीनों लोग आप क्या हुआ इस देश के लिए उन्होंने शहादत दे दी। प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं यहां पर मेजर आशीष ढोंचक वॉज फ्रॉम हरियाणा। जो मेजर साहब हैं वो भी कहां से थे? हरियाणा के थे, ठीक है, हरियाणा, फ्रॉम द हरियाणा, ठीक है, पानीपत। ही सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ एंड 2 ईयर्स ओल्ड डॉटर। उनकी पत्नी और एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा 2 साल का, जो अब अपने पिताजी को और अपने पति को जिन्होंने खो दिया इस देश के लिए, लेकिन हमें प्राउड है और हम सल्यूट करते हैं ऐसी पत्नी पर और सल्यूट करते हैं ऐसे देशभक्त पर जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी है। प्यारे बच्चों और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी रहें एकदम मस्त रहें, खुश रहें और आपका परिवार को इससे उभरने का हौसला मिले, साहस मिले और हमेशा ये देश आपकी शहादत का रेडी रहे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और साथ ही साथ हमारे बड़े ही चार्मिंग डीएसपी साहब यहां पर देख रहे हैं, द लास्ट राइट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट हु लॉस्ट हिज लाइफ इन द इनकाउंटर इन द अनंतनाग इनकाउंटर। तो ये इनकाउंटर कहां हुआ था? अनंतनाग में था, हुआ था। वह परफॉर्म्ड ऑन वेडनेसडे इवनिंग, ऑफिसर्स फ्रॉम द आर्मी एंड द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वर इंजर्ड। तो जम्मू और कश्मीर और आर्मी ऑफिसर्स इंजर्ड हुए थे आफ्टर एन इनकाउंटर ब्रोक आउट बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड द टेररिस्ट इन द कोकरनाग एरिया इन द जम्मू एंड कश्मीर अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अर्लियर टुडे। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक्सप्रेस्ड हिज ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ द ऑफिसर्स इन द एनकाउंटर एंड आल्सो पेड ट्रिब्यूट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर डीएसपी एट बदगाम ऑन वेडनेसडे एज रिपोर्ट बाय एएनआई। तो ये एएनआई ने रिपोर्ट दिया था मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर देखते हैं आगे, देखते हैं कि सिचुएशन ये देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं हुमायूं भट्ट पर आई भर आई हर आंखें। ये ऐसा मोमेंट होता है जब कोई भी देशवासी रो देता है और यहां पर देखिए कम से कम इस ईश्वर ने इस लायक तो बनाया कि हमारा जो बॉडी है वो, हमारा जो कफन है वो तिरंगा है, ठीक है। तो हुमायूं भट्ट भर आई हर आंखें, डीएसपी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई, उपराज्यपाल ने भी दी श्रद्धांजलि। ये आपके उपराज्यपाल साहब हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर के बलिदानी डीएसपी हुमायूं भट्ट का नम आंखों से सुपुर्दे खाक किया गया। हुमायूं भट्ट को बडगाम में सुपुर्दे खाक किया गया। डीएसपी हुमायूं के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इससे पहले बुधवार शाम श्रीनगर के जिला पुलिस लाइन में पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। प्यारे बच्चे और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ये इनके पिताजी हैं। देखिए एक पिता होने के नाते भले ही गुलाम हसन भट्ट अंदर से टूट चुके हों लेकिन एक पुलिस अफसर के तौर पर श्रद्धांजलि देते समय वो काफी शांत और दृढ़ दिखे। तो इनके पिताजी थे वो भी क्या थे? पुलिस अफसर रहे हैं बेटा, शांत और दृढ़ दिखे। इस मंजर ने सबको झकझोर कर रख दिया जब एक पिता ने अपने बेटे के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। परिवार की महिलाओं ने रोते बिलखते हुए अपने जवान बेटे को आखिरी बार दीदार किया। तो प्यारे बच्चे ये अजीब सा मोमेंट होता है, अलग सा होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखो परिवार का हर एक आदमी का बुरा हाल है, रो रोकर परेशान है पूरी तरीके से। इसके बाद वहां से पार्थिव शरीर के लिए श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र क्या लिखा है हुम हामा की फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित आवास पर ले जाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर पर पहुंचने पर चीख पुकार मच गई। डीजीपी दिलबाग सिंह, एडीजीपी विजय कुमार भी बलिदानी डीएसपी के घर पहुंचे।
वहीं पर हम देख रहे हैं यहाँ पर इस दुखद अवसर पर जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, ये आप जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा साहब भी मौजूद रहे। उन्होंने भी डीएसपी हुमायूं के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया। इस दौरान पूर्व आईजीपी गुलाम हसन भट्ट ने भी के पिता ने भी अपने बलिदानी बेटे डीएसपी तो क्या थे उसके पहले वो पूर्व आईजी क्या थे पूर्व आईजीपी थे गुलाम हसन भट्ट जी साहब थे। उन्होंने अपने बेटे हुमायूं के भट्ट को आर्थिक पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उसे श्रद्धांजलि दी। तो साथ ही साथ में हम आपको और दिखाना चाहेंगे, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो जैसा आप सबने देखा कि हमारे तीन जवान तीन अफसर इस देश के शहीद हो चुके हैं, और अब क्या भारत इन शहीदों का बदला लेगा, क्या हमारा देश भारत शहीदों का बदला लेगा या नहीं लेगा, उसके लिए हम प्रॉपर अपडेट्स देखते रहेंगे और आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर बने रहेंगे जहां पर आप सारे डिटेल्स सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।